वॉइस क्लियर है मेरा? नो मैम, नहीं क्लियर आ रहा वॉइस। नहीं आ रहा है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंटिन्यू गारंटी में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। देखो सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी से रिगार्डिंग चीजें देखेंगे इसमें। फ्रेगमेंट्री कंसिडरेशन सप्लाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रेगमेंट्री फ्रेगमेंट्री क्या होगा? डिविजिबल, मतलब डिवाइड में, पार्ट्स पार्ट्स में। फ्रेगमेंट्री कंसिडरेशन, फ्रेगमेंट्री कंसिडरेशन सप्लाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब क्या बताया मैंने? डिविजिबल, कंटिन्यूइंग है तो क्या होगा? धीरे धीरे कंसिडरेशन जाएगा डिविजिबल फॉर्म में। जितने का पोर्शन कंप्लीट होगा उतने पोर्शन का जाएगा। बताया था ना मैंने, अगर 50,000 का वर्क लिया है पूरा, तो कभी 2,000 का, कभी 3,000 का, कभी 4,000 का, कभी 6,000 तक, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो डिविजिबल डिवाइड्स में फ्रेगमेंट्री रहता है, इसको फ्रेगमेंट्री बोलते हैं। सेकेंड क्या रहेगा इसमें? देखो जैसे इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा, और जैसे वो गारंटी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका एग्जाम्पल मैंने कल शायद दिया था आप लोगों को, याद आया? 50,000 वाला जो दिया था, कभी 2,000 पे कर रहा है, फिर 6,000 पे, फिर किस पे कर रहा है? 5,000 पे, फिर 10,000 पे। अच्छा बताओ, ये जो एग्जाम्पल है 50,000 की गारंटी वाला जो पॉइंट लिया है हमने, इसको अगर हम पार्ट्स में ये कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू गारंटी है कि स्पेसिफिक गारंटी है? बताओ, कहाँ गए? वेदर अ पर्टिकुलर गारंटी इज कंटिन्यूइंग और नॉट, इज कंटिन्यूइंग और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। देखो ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा ना, ये उसका आंसर दे रहा है, इज अ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इसका क्या मतलब आया हुआ बताओ? देखो स्पेसिफिक है कि कंटिन्यू है, ये तो जो वो पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उनका इंटेंशन बताएगा कि वो लोग इसको कंटिन्यू में कंसिडर कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक में कंसिडर कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर सी गारंटी देता है आई शैल बी आंसरेबल फॉर 5,000, तो अगर सी गारंटी देता है कितने की? 5,000 की, तो जो जिसको भी दे रहा है ठीक है, उनको क्या करना है कि 5,000 तक जितना भी, सपोज ए और बी डील कर रहे हैं और सी गारंटी ले रहे हैं 5,000 की, तो ए और बी आपस में कितना भी डील कर लें, लेकिन 5,000 तक जहां पे उनका डीलिंग हो जाएगा 5,000 तक, वहीं पे सी की गारंटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जो 5,000 तक चलते आएगी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 5,000 एक अमाउंट जो फिक्स कर दिया, वो कौन सी हो गई? स्पेसिफिक हो गई। इसलिए कोई भी गारंटी कंटिन्यू है या स्पेसिफिक है तो वो उनका इंटेंशन बताएगा, उनकी पार्टीज का, और किस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है, कंटिन्यू करके मेंशन किया है या स्पेसिफिक, वो उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बताएंगे उसमें। फिर देखो एक चीज और है इसमें, थर्ड पॉइंट में, अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी गिवन फॉर अ एंटायर डेब्ट के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक के हो सकता है। एंटायर डेब्ट समझते हैं आप लोग, या तो कंप्लीट डेब्ट के लिए भी या फिर कुछ पार्ट उस डेब्ट का वो भी। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी, अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी गिवन
गिवन फॉर अ पार्टी, पार्टी या पार्टली है वो, फॉर अ बुक में पार्टी लिखा है तो उसको ठीक कर देना, फॉर अ पार्टली ऑफ एंटायर डेप्थ और डेप्थ, फॉर द एंटायर डेप्थ और फॉर द एंटायर डेप्थ सब्जेक्ट टू अ लिमिट। किसी को डाउट है इस पॉइंट में? अ फिडेलिटी गारंटी, फिडेलिटी क्या होता है बताओ, वर्ड सुना है आप लोगों ने? फिडेलिटी गारंटी इज, फिडेलिटी वर्ड सुना है बेटा बताओ? नो मैम। और किसी ने? कंटिन्यूइंग गारंटी, जब हम किसी के अच्छे बिहेवियर, ठीक है, गुड कंडक्ट या किसी की ऑनेस्टी की अगर हम गारंटी लेते हैं, गुड कंडक्ट की लेते हैं सामने वाले की, है ना, या फिर ऑनेस्ट बिहेवियर की अगर हम गारंटी लेते हैं, तो वो गारंटी होती है, वो होती है फिडेलिटी गारंटी, है ना। तो ऐसी गारंटी को कंटिन्यूइंग गारंटी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि वेदर कि वो पर्सन आगे चल के ऑनेस्ट रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ये वन टाइम होती है गारंटी, फिडेलिटी गारंटी। आया समझ में? फिडेलिटी गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे नहीं है? यस मैम। नेक्स्ट देखो, अ गारंटी ऑफ अ डेब्ट टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, अ गारंटी, सॉरी एक सेकंड, a guarantee of debt to be paid by installments is not a continuing guarantee, is not a continuing guarantee. देखो ये point correlated है third और fifth, इसको किसमें लेके आते हैं पता है? गारंटी ऑफ लोन में। इसको क्या कंसिडर करते हैं? गारंटी ऑफ लोन, इन शॉर्ट। जैसे बैंक्स वगैरह में हम अमाउंट पे करते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी होगी? नहीं, वो क्या होगा? गारंटी ऑफ लोन के अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे बैंक वगैरह का लोन होता है किसी के ऊपर, किसी गाड़ी वगैरह का, तो अगर कोई दो तीन दिन अमाउंट अच्छे से अगर पे करते हैं अपन, और जैसे समझो फोर्थ या फिफ्थ तक हम पे नहीं कर पा रहे, तो हमारा गारंटी रिवोक नहीं होता है उस पॉइंट में। जो पर्सन हमारी गारंटी लेता है उस पॉइंट पे क्या होता है, कंपनी हमको थोड़ा सा टाइम दे देती है कि ये आप उसको थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट पे करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ उसको कंटिन्यू कर देना करके, तो वो गारंटी ऑफ लोन होती है। और ऐसी गारंटी कैंसिल नहीं होती है, रिवोक नहीं होती है। रिवोक मीन्स कैंसिल होगा, रिवोक मीन्स कैंसिल। कुछ पॉइंट्स थे, ये पांच पॉइंट्स थे। अब देखो कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे रिवोक। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, एक सेकेंड। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, इसमें अपन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। Revocation. Revocation means what? Cancellation. Revocation of continuing guarantee. So revocation का means क्या होता है? Cancellation of guarantee. Cancel कैसे होगी guarantee? हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसमें first point देखो, by notice, नोटिस भेज के भी गारंटर क्या कर सकता है? अपनी गारंटी को कैंसिल करवा सकता है बाय नोटिस ऑफ
रिवोकेशन कर सकता है या फिर बाय डेथ ऑफ श्योरिटी. कल किसी ने कुछ क्लास में पूछा था कि मैडम अगर वो मर गया तो, अगर वो मर गया तो जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी. या फिर थर्ड पॉइंट बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन वेरियस सर्कमस्टांसेस. बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन वेरियस सर्कमस्टांसेस. देखो नोटिस ऑफ रिवोकेशन में क्या होगा, कंटिन्यू गारंटी, ठीक है, कभी भी कैंसिल हो सकती है फ्यूचर ट्रांजेक्शन में अगर हम क्रेडिटर को नोटिस अगर एक भेज दें. जैसे ही उसने नोटिस भेजा तो नोटिस भेजने के पहले तक जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो उसके लिए तो लायबल रहेगा, उसकी गारंटी में कोई कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन नोटिस भेजने के बाद के दिन से जो भी उसकी गारंटी ड्यू होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. अगर वो नोटिस भेजता है तो फ्यूचर के रिगार्डिंग, सपोज अगर एक्स गारंटी देता है किसको, वाई को, कितने की, 5,000 तक की, लेकिन अभी सिर्फ 2,000 तक का ही काम हुआ है और एक्स क्या करता है, नोटिस भेज रहा है किसको, वाई को और जेड को, कि देख कि अब मैं आगे आपकी गारंटी नहीं बनना चाहता हूँ, टिल डेट तक आपने जितने का भी ट्रांजेक्शन पे डील किया है मैं उतने के लिए लायबल रहूंगा, बट आफ्टर दैट आई विल नॉट कंटिन्यू, मतलब वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा. तो 5,000 की गारंटी थी सपोज, और अगर उसने 2,000 के बाद ही नोटिस भेज दिया, यस, तो उसको उस 2,000 तक का काम करना पड़ेगा और उसके बाद का वो कैंसिलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131 बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो जो डेथ है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगी, कैंसिलेशन में आ जाएगी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए. लेकिन उसके मरने के पहले तक जिंदा था वो, तब तक उसने जो गारंटी ली थी तो उसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लीगल हायर या जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो रहेगा डेथ ऑफ श्योरिटी में. तो ये किस में बोलता है, सेक्शन 130 बोलता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन से. डेथ ऑफ श्योरिटी होता है सेक्शन 131 से, और जो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अंडर वेरियम सर्कमस्टेंसेस. तो कुछ सिचुएशंस है जिसमें कैंसिलेशन हो सकती है उसकी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, बाय नोवेशन. नोवेशन वर्ड सुना है आप लोगों ने, बी पॉइंट है इसमें, बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन समझते हैं आप लोग, नोवेशन से नोवेशन क्या होता है बोलो. मैम जिसने लोन लिया है, जिसने लोन लिया है वो अगर वो रिलीज कर दे रहा है गारंटर को, तो भी अगर वो अपना सही टाइम पे कर रहा है अमाउंट, तो उसने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया. बाय नोवेशन था पहला, बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय रिलीज और डिस्चार्ज, या फिर बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी थी उसका ही लॉस हो जाना, बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी. नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं अपन, इनवैलिडेट हो जाना कॉन्ट्रैक्ट. एक डेट लिमिट है, वो डेट लिमिट क्या हो जाना, एक्सपायरी होना, या जो सब्जेक्ट मैटर था उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो ही चेंज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाएगा उसमें, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. या फिर क्रेडिटर्स एक्ट, क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है कि अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट में
नहीं रहना चाहते, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन या कुछ मिस हो जाना, या फिर क्रेडिटर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, व्हेन क्रेडिटर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ प्रिंसिपल डेटर। तो यही सिचुएशंस हैं जो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी को रिलीज कर देता है। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के पॉइंट्स में, वन बाय वन डिटेल में। तो अभी सिर्फ इसको समझो ऐसे ही कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू गारंटी क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। फर्स्ट था नोटिस, सेकंड था डेथ, तीसरा है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में ये कुछ सिचुएशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसको इरेज करूं, किसी को नोट करना है? मैम हो गया, हो गया, ठीक है, इरेज कर रही हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वर्ड को हम जो भी थर्ड पॉइंट किया था हमने, इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है आपको। एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लायबिलिटी। क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। Explain the conditions या फिर circumstances भी बोलेगा, chances when surety is discharged from लाइबिलिटी। अब देखो इसमें जो मैंने रिवोकेशन वर्ड बताया था, तो रिवोकेशन में पहला पॉइंट क्या किया था हमने? नोटिस, सेकंड था डेथ, और तीसरा था डिस्चार्ज। तो वो जो थर्ड पॉइंट था उसका जो डिस्चार्ज था, ये जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे ए से जी तक, अब उसको ये क्वेश्चन में पूछता है। तो आप लोग एग्जाम में सेम सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और पूरा एक सिनॉप्सिस वाइज क्वेश्चन में इसको बनाएंगे। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय लाइबिलिटी के अंदर हम तीन मोड्स पढ़ेंगे, ठीक है? या फिर इसको बोल सकता है कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, या फिर एक और वर्ड यूज करता है आप लोगों के लिए यहाँ पे, मोड्स। तो पहला इसमें जो हम पढ़ेंगे, द फॉलोइंग आर द मोड्स और सर्कमस्टेंसेस में पहला है बाय रिवोकेशन में, सेकेंड होगा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और तीसरा होगा बाय इनवैलिडेशन। इन सबको हम पढ़ेंगे वन बाय वन।
तो जो फर्स्ट था बाय रिवोकेशन, इसमें पहला है आपका नोटिस बाय श्योरिटी, सेकंड इसमें पढ़ेंगे अपन डेथ ऑफ श्योरिटी, तीसरा इसमें होगा नोवेशन, नेक्स्ट जो इधर कर रही हूं मैं वेरिएंस, सेकंड आएगा इसमें रिलीज और डिस्चार्ज, ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तीसरा आएगा सर्टेन अरेंजमेंट्स, कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे किस टाइप की वो मैं बता रही हूँ, क्रेडिटर अगर करता है डेटर के साथ, डेटर और क्रेडिटर आपस में कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं और गारंटर को अगर कुछ नहीं बताते हैं तो, या फिर क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, और यहां पे लॉस ऑफ सिक्योरिटी, फिर इस पे आएंगे अपन यहां पे थर्ड में इनवैलिडेशन में, इनवैलिडेशन में फर्स्ट आएगा बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, सेकेंड ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट, और नेक्स्ट आएगा इसमें थर्ड फेलियर ऑफ कोश्योरिटी, टू जॉइन अ श्योरिटी, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे सर्कमस्टेंसेस में, रिवोकेशन में ये तीन पॉइंट, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में पांच पॉइंट, और इनवैलिडेशन में ये तीन पॉइंट। इन तीनों को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, पॉसिबल हो तो एग्जाम में विद एग्जाम्पल, कट टू कट मीनिंग देना दो तीन लाइन की, और उसके बाद छोटा सा एग्जाम्पल लेना, लेकिन एग्जाम्पल में नाम मत मेंशन करना, एक्स वाई या ए वी ऐसे करके हम इसको मेंशन कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक पॉइंट्स में तो बताओ पहले, नहीं तो फिर एक इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी मैं।